अरे कौन है? वाह, कल क्या स्वाद था घेघू चाचा के पराठे में। खाकर सोचा था कि आज सुबह सोकर 12 बजे उठूंगा। पता नहीं कौन सुबह के 10 बजे आकर रो रहा है। अरे सॉरी फॉर द माय लैंग्वेज, ये कोई सीनियर सिटीजन हैं, पर सीनियर सिटीजन होकर भी ये रो क्यों रहे हैं? जाकर देखता हूँ मामला क्या है। आप लोगों को रोता हुआ देखकर मैं चलाया। आप लोग रो क्यों रहे हैं? कुछ मत पूछो बेटा, सब हमारी किस्मत है। बेटे को पाल पोस कर उसे बड़ा किया, और वो है जिसने शादी के बाद जमीन जायदाद अपने नाम करवा कर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अरे अरे अरे, सुनकर मेरा मन अंदर से इमोशनल हो गया। नो टेंशन दादी दादा, लुल्लू का काम देखकर आप हो जाएंगे फिदा। बस एड्रेस दीजिए, आपके बेटे को सबक सिखाकर चलाता हूँ। क्या क्या तुम ऐसा कर पाओगे? बस अब देखते जाइए, आपका बेटा सीधा आकर आपके पैर छुएगा, इससे मुझे भी पुण्य मिलेगा। और पुण्य का मतलब है मनुष्य जीवन। क्या बात है। गांव का नाम मोहनपुर और बेटे का नाम आनंद। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अभी निकलता हूँ। ए आनंद, ए रुक जा रे, ए आनंद बदमाश आनंद, निकल घर से बाहर। ए पुरखों की संपत्ति हड़प करके आराम फरमा रहे तू? माँ बाप को भूल गया क्या? ए कौन है, पीछे से क्यों बुला रहा है मुझे? चला थटा। क्या रे, डर के मारे बिस्तर के नीचे घुस गया क्या? कहाँ रे आनंद? मैं हूँ आनंद, बोल क्या कहना है? क्या तुम ही आनंद हो? आनंद आ गया मिलके। आनंद आ गया। मुझे धमकाने के लिए तू यहाँ आया था? यहाँ तो बिजली भी मेरे कहने पर ही गरजती है। नहीं डरने से बात नहीं बनेगी। यस मिस्टर आनंद, माँ बाप के घर से ही माँ बाप को निकालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अच्छा किया। हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाला तू कौन होता है? अब एक शब्द और भी नहीं, वरना वो हाल करूंगा कि दोनों पैरों से चलकर वापस घर नहीं जा पाएगा। अगर दोनों पैरों से चलकर नहीं जा पाया तो उड़कर चला जाऊंगा। भाग रे लुलो, बाप रे बाप। सुबह मैं अच्छे से समझाने आया था, पर इसने सुनी नहीं। सुबह डर के मारे मैं भूल ही गया था कि मैं एक नटखट प्यारा, मतलब कि एक भूत हूँ। अब लुलुल के भूतिया करामात से तुम्हें कौन बचाएगा बेटा? आनंद आनंद आ गया, आनंद आ गया। तोड़ूंगा तुम्हारी नींद, दादा दादी के लिए तुम्हें ये कमरा छोड़ना पड़ेगा। Hey, कौन है रे? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मेरे गले की हड्डी टूट गई। रुक जा तू, अभी रुक जा। दो दिन हुए नहीं तुझे भूत बने और तू मुझे डराना है? अरे मैं इस मोहल्ले का डेयर डेविल हूँ। अच्छा वो मोटी लाठी तो जरा लेकर आना। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, रहने दीजिए, अब उस लाठी की क्या जरूरत है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, दस हीरो गिरी दिखाने गया था और जीरो होकर लौट आया। अब दादा दादी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा मैं? क्या हुआ लुल्लू, इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठा हुआ है? घेघो चाचा, भूतिया जीवन में पहली बार मैंने अपने आप को इंसान के सामने बहुत छोटा फील किया। लेकिन हुआ क्या है ये तो बता दे। आनंद नाम का एक लड़का है, और उस आनंद के कारण उसके माँ बाप के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। इसलिए उसके माँ बाप के दुख को दूर करने के लिए थोड़ा उसे डराने गया था, पर इस दुबले भूतिया शरीर को ऐसी मार पड़ी कि लौकी से भिंडी बनकर लौट आया मैं। सारा कसूर उन माँ बाप का ही है, बचपन में प्यार के साथ साथ
जब गलत होते देखकर अच्छे से कान पकड़कर सजा दी होती ना उस वक्त उसे, तो आज वो लड़का इतना बिगड़ा नहीं होता लुल्लू। सही कहा घेगो चाचा, पर मैंने दादा दादी से वादा किया है, क्या उस आनंद को सबक सिखाने का कोई उपाय नहीं है? देख लुल्लू, एक उपाय है, तू करेगा तभी हो सकता है। आप सिर्फ उपाय बताइए, बाकी सब लुल्लू समझ लेगा। अरे वाह, तो फिर दीजिए ना। घेगो चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद, घेगो चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा आइडिया दिया है ना, अब घेगो चाचा का उपाय ही आखिरी उपाय है। अरे सुनती हो, कहाँ हो? अब जल्दी आओ। आती हूँ जी, आती हूँ, मुझे तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा सुनिए, आज बहुत सारी शॉपिंग करूँगी मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी से बैठो। अच्छा सुनो, तुम शॉपिंग करो, तब तक मैं सब्जियाँ खरीद कर लेके आता हूँ, ठीक है? क्या प्यारी लड़की है, अरे और मुझे आंखों से इशारे भी कर रही है। बाबा, ये तुम्हारे लिए है, खाना जरूर। हाँ मैं चलती हूँ। गिफ्ट भी देकर गई है? अरे नहीं नहीं नहीं, इस सेब को मैं सब्जी के थैले में ही डाल देता हूँ, अगर बीवी ने देख लिया तो हजारों सवाल पूछेगी। हेलो सीनियर सिटीजंस, चलिए आपके बच्चे को आपकी गोद में दे दूं। अब ऐसा मजाक हमसे क्यों कर रहे हो तुम? हमारा वो बेटा अब सुधरने वाला नहीं है। लुल्लू है मेरा नाम, पैसे से भी ज्यादा कीमती मेरा वादा है। एक बार जाकर अपनी आंखों से देख आइए ना, मैंने क्या कमाल किया है। क्या ये दोनों कौन हैं? जी ये आपका बेटा और बहू है, आप इन्हें बचपन से ही अच्छे से पाल पोस कर बड़ा कीजिए, जिससे ये बड़े होकर ऐसी हरकतें ना कर पाए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ? सच में शायद अपने बेटे के परवरिश करने में हमसे ही कोई कमी रह गई होगी बेटा। अब मैं कोई भी गलती दोबारा नहीं करूंगी बेटा। इस बार इन दोनों को हम अच्छी परवरिश देंगे बेटा। लेकिन बेटा तुमने इस नामुमकिन काम को किया कैसे आखिर? दिस इज कमाल का लुल्लू स्टाइल। तो फिर सुनिए, सेब पर दिल का निशान। क्यों जी, ये दिल के निशान वाला सेब कहाँ से आया? हाँ अरे ये तो मैं फंस गया, इन सेबों को थैले से निकालना तो मैं भूल ही गया था। अब क्या होगा? क्या सोच रहे हो, सच सच बताओ, कहाँ से आए हैं ये सेब? अरे नहीं, सोचा था कि दोपहर के खाने के बाद ये दोनों सेब तुम्हें देकर थोड़ा सा चौंका दूंगा। कब से मैंने तुम्हें प्यार से कोई गिफ्ट नहीं दिया है ना, इसीलिए। हाँ ये मेरा गिफ्ट है, आप कितने प्यारे हैं। हाँ, ये एक सेब हम दोनों आपस में बांट कर खाएंगे, और इससे हमारे बीच में प्यार बढ़ेगा। बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने हमारी इतनी मदद की, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया बेटा,
और खाने पीने का भी नहीं पूछा तुमसे। हाँ, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख तो लग रही है। नो टेंशन, इसे ही खा लेता हूँ। अरे ये क्या हो गया? आपने देखा, अब तो लुल्लू भी बच्चा बन गया। चलो छोड़ो, छोड़ने दो। अच्छा ही हुआ भाग्यवान, इस लड़के ने हमारी मदद की है। ये सही बात है, पर थोड़ा बिगड़ेल भी तो था ना। इसे भी अच्छे से पाल पोष कर इसकी बदमाशी ठीक कर दूंगा। अरे बाप रे बाप, मारे माँ मैं तो फंस गया, मुझे बचाओ रे। अरे बचाओ।